अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र अभी 77 साल है, पूरे फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी अमिताभ बच्चन के ऐसे फैंस हैं जो हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से अब हाथ उठने लगे हैं दुआओं के लिए। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नानावती अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसने वहां की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करके रखी हुई है। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और क्या जानकारी साहिल? अभी थोड़ी देर पहले उनको नानावटी अस्पताल भर्ती कराया गया। ये अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और नानावटी को कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी बताया गया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक अधिकृत तौर पर उनकी सेहत पर को लेकर अधिकृत कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया है और ये बता दिया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि उनको नानावटी अस्पताल भर्ती कर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। अब उनके आसपास में या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन खास करके बच्चन जो उनकी उम्र और ये सब देखे हुए कोमॉर्बिड कंडीशन उनकी हो सकती है, जिसके वजह से उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक अस्पताल से उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर है हमारे पास कि नानावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ अंडरगॉन टेस्ट, रिजल्ट अवेटेड। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगले बीते 10 दिनों के भीतर जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी को इन्फॉर्म भी इस बारे में किया जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बारे में जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। और पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जो निकटता से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन की कृपया खुद को जांच के लिए सामने लाएं। साहिल जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उनके नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब ये बात ठीक है कि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, इसके वजह से अब उनका नाम हम ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी उम्र देखते हुए, क्योंकि आमतौर पर कोमॉर्बिड कंडीशन के आधार पे डीएमसी आपको बताती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा और उस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाता है। तो इसी के चलते आज थोड़ी देर पहले उनको नानावटी अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया और उसके चलते उनको नानावटी अस्पताल ले जाया गया। अक्टूबर में भी किसी चेकअप के लिए वो नानावटी अस्पताल गए थे और उनके घर से जनक से बहुत ही पास में, जलसा से बहुत ही पास में ये दरअसल एक नानावटी अस्पताल है और वो पिछले 3 महीने से नानावटी अस्पताल एक डिजिग्नेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम भी कर रहा है। तो वहां पर एक्सपर्टीज भी है,